आशीष अली साहब फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ चुनावी सफर में डेली न्यूज चैनल आज पहुंचा है चुनाव कार्यालय। समाजवादी पार्टी नरेंद्र पाल सिंह मनु प्रत्याशी 208 भवनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं। यहां पर मनु के कुछ समर्थक खड़े हुए थे, हमने सोचा चलो इनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या इनमें जोश है, क्या इनका माहौल है, क्या जनता का मूड है, किन मुद्दों पर इनकी लड़ाई हो रही है? भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप ये बताइए किन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? महंगाई पे। महंगाई पे? और कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ एक महंगाई है? जानवर वाला। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? यादव जी, आप ये बताइए किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा भवनीपुर में? जानवरों का मुद्दा। जानवरों का मुद्दा जी। पढ़ाई जी, बेरोजगारी जी, और जो है महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि मैंने बहुत रोजगार दिए हैं और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? उसके दावे झूठे हैं। झूठे हैं? झूठे हैं। जो छात्र बेरोजगार है जी, हाँ, नौकरियां नहीं मिल रही है जी, आर्थिक स्थिति समस्या होती जा रही है जी, किसान प्रधान है जी, और बाजार अनियंत्रित है जी। आपका भाई साहब शुभ नाम क्या है? यादव जी, आप बताइए क्या माहौल है भवनीपुर विधानसभा? प्रधान जी, गुलाब प्रधान जी। भारी मतों से आगे चल रहे हैं। अच्छा, कितने गांव में आपने भ्रमण किया? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है सपा का। आपका भाई साहब शुभ नाम क्या है? मनु यादव, पूर्व प्रधान। मनु यादव, पूर्व प्रधान। प्रत्याशी से नाम मिलता जुलता? बिल्कुल बिल्कुल। काम भी आपका मिलता जुलता होगा? बिल्कुल, काम बोलता है। काम बोलता है? क्या काम बोल रहा है जरा बताइए हमें। काम ये बोल रहा है कि अखिलेश सिंह ने जितना भी काम किया आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, मेरे गांव से जो मुख्य सड़क जाती है कम से कम 20 गांव से कनेक्ट है जी, और 20 गांव में उस सड़क का ये हाल है कि मात्र 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 1 घंटे का सफर करना पड़ेगा जी। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं क्या 20 गांव में गर्भवती महिलाएं नहीं होती, क्या बच्चे बीमार नहीं होते हैं, क्या अगर एम्बुलेंस भी जाएगी 10 मिनट में उनको चाहिए? अच्छा, बीजेपी वाला एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है, आपको बता रहा है गुंडा पार्टी का नाम दिया है, क्या है? अब भाई, गुंडा पार्टी ये उनका मकसद है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप उनके लिए क्या इसका जवाब दे रहे हैं? नहीं, अगर वो गुंडा है। नहीं, आपको गुंडा पार्टी नाम दे रहे हैं। अब उनसे बड़ा कोई गुंडा होगा? बताओ कौन गुंडा है? योगी बाबा। योगी बाबा गुंडा है, सही बात है। आगे आओ जरा, बताओ आगे। योगी गुंडा है। कौन गुंडा है? अरे, मुकदमा किनके वापस हुए? किनके हुए बताओ? योगी बाबा के। योगी बाबा मुकदमे लगे हुए? कितने मुकदमे लगे? अरे, जाने कितने आते, सब वापस बावन मुकदमा आते, सब वापस तो हुए। बताइए भवनीपुर का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, साइकिल बहुत जोरदार तेजी चल रही है, यानी टायर मजबूती के साथ, मजबूती के साथ। हमारे आज तक इतनी झूठी सरकार नहीं बनी, ये झूठी सरकार, झूठी सरकार है। ये कहती है मैं किसानों को दूंगा करूंगा, और आधा कर दिया जी, जितने थे वो आधा कर दिया जी। वो रात भर दिन भर काम करे, रात भर रखाए, जानवर मारते हैं, ये सांड भी वो ढीले हुए हैं, क्या करेंगे? अरे, वो तो गौ माता है, इसलिए उनको छोड़ दिया है। आज जो किसान गल्ला नहीं मांगा किया, ये बताओ कृषि आयोग लगाया, जितनी मांगे किसानों की मर गए, किसानों का कुछ नहीं याद किया, ये मोदी ने भी कभी याद किया? बताइए, हम मोदी जी कह रहे हैं हमने देश को डिजिटल बना दिया, देश को क्या डिजिटल बना दिया, सब लोग रोजगार है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, धरातल पे लाओ का कहां क्या किया? अच्छा, आप बताइए क्या है इतना बढ़िया विकास हो गया है, क्या है इनका? विधानसभा में कोई समाजवादी पार्टी इतने बढ़कर जीत रही है, एक इतिहास होगा भवनीपुर का। आप बताइए क्या है भवनीपुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल? विधानसभा में हमारे साथ प्रत्याशी नरेंद्र पाल सिंह, जिनके ऊपर 151 नहीं है, यहाँ पे सबसे बाहरी प्रत्याशी को उतार के बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। वो प्रत्याशी खुद इतना बड़ा गुंडा है, खुद आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब उस प्रत्याशी के आने से आपकी जीत और आगे बढ़ रही है? और आगे बढ़ गई, ये कहने का मतलब है आपका? और ये भाजपा, ये ऐसे प्रत्याशी है कि उनको खुद दिखाई दे रहा होगा, जनता को, क्षेत्र की जनता को दिखाई दे रहा है कि ये जो है समाजवादी पार्टी बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी मुकराया से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मनीष के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।